ओम शांति। आज सुनते हाँ श्री बाबा दे 12 तारीख दे साकार महावाक्य। बाबा बोले मिठे बच्चे जी बाबा तुसी आसुरी मत ते चलन नाल दर बदर हो गए हो, हुन ईश्वरी मत ते चलो ता सुख धाम विच चले जाओगे। प्रश्न है बच्चिया नू बाप कोलों केड़ी उम्मीद रखनी है केड़ी नहीं। उत्तर बाप तो यही उम्मीद रखनी है कि असी बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर ते काट यानी राजधानी विच जाइए। बाबा कहंदे ने बच्चे मेरे तो ये उम्मीद ना रखो कि फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले, ऐथे कृपा या आशीर्वाद दी कोई गल नहीं है। मैं ते आया हाँ तुहानू बच्चियां नू पति तो पावन बनाउण दे लई। हुण मैं तुहानू अजिहे कर्म सिखांदा हाँ जो विकर्म ना बनन। गीत है अज नहीं ता कल दिखरनगे ए बदल। ओम शांति। रूहानी बच्चिया ने गीत सुनिया। बच्चे जानदे ने हुण घर चलना है, बाप आए ही ने घर ले जान दे लई। ए याद भी उदो रहेगी जदो आत्म अभिमानी होवोगे, दे अभिमान होवेगा ता याद नहीं रहेगी। बच्चे जानदे ने कि बाबा मुसाफिर होके आया है, तुसी भी मुसाफिर होके आए सी, हुण अपने घर नू भुल गए हो, फिर बाप ने याद करवाया है। रोज रोज समझांदे ने जब तक सतो प्रधान नहीं बने चल नहीं सकोगे। बच्चे समझदे ने बाबा ठीक कहंदे ने। बाप भी बच्चियां नू जो श्रीमत देंदे ने सपूत बच्चे उससे चल पैंदे ने। इस वक्त होर ते कोई अजेहा बाप नहीं होवेगा जो चंगी मत देवे, इस लई दर बदर होए पए हो। श्रीमत देन वाला एक ही बाप है, उस मत ते भी कई बच्चे नहीं चलदे। वंडर है ना लौकिक बाप दी मत ते चल पैंदे ने, ओह आसरी मत। ए ता है ही ड्रामा, परंतु बच्चिया नू समझांदे ने तुसी आसरी मत ते चल, इस गति नू पा लिया है, हुण ईश्वरीय मत ते चलन नाल तुसी सुख धाम विच चले जाओगे। ओह है बेहद दा वरसा, रोज समझांदे ने बच्चिया नू किन्ना खुश रहना चाहिदा है। सब नू एथे ता नहीं बिठा सकदे ना, घर विच रह के भी याद करना है। हुण पाठ पूरा होने वाला है, हुण वापिस घर चलना है। मनुख किन्ना भुले होए ने कहा जांदा है, ए ता अपना घर घट ही भुल गए ने। हुण बाप कहंदे ने घर नू भी याद करो, अपनी राजधानी नू भी याद करो। हुण पाठ पूरा होने वाला है, हुण वापस घर चलना है। कि तुसी भुल गए हो, तुसी बच्चे कह सकदे हो बाबा ड्रामा अनुसार साडा पाठ ही अजिहा है जो असी घर बार नू भुल एकदम पटक रहे हां। भारतवासी ही अपने श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म नू भुल के दैवी धर्म भ्रष्ट दैवी कर्म भ्रष्ट हो गए ने। हुण बाप ने सावधानी दित्ती है, तुहाडा धर्म कर्म ता ए सी, ओथे तुसी जो करदे सी ओ अकर्म हुंदा सी। कर्म अकर्म विकर्म दी गति बाप ने ही तुहानू समझाई है। सत युग विच कर्म अकर्म हो जांदे ने, रावण राज विच कर्म विकर्म हुंदे ने। हुण बाप आया होया है धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाउण दे लई, तां हुण श्रीमत ते कर्म श्रेष्ठ करने चाहीदे ने। कोई भ्रष्ट कर्म करके किसे नू दुख नहीं देना चाहीदा। ईश्वरीय बच्चियां दा इह काम नहीं है जो डायरेक्शन मिलदे ने, उहनां ते चलना है। दैवी गुण धारण करने ने, भोजन भी शुद्ध लेना है। जेकर लाचारी विच नहीं मिलदा तां राय लवो। बाबा समझदे ने नौकरी आदि विच किते थोड़ा बहुत खाना भी पैंदा है, जदकि योग बल नाल तुसी राजाई स्थापन करदे हो, पतित दुनिया नू पावन बनांदे हो। ताकि भोजन नू शुद्ध बनाना की वड्डी गल है, नौकरी तां करनी ही है ना। एवे नहीं कि बाप दा बने तां सब कुछ छड के एथे आके बैठ जाना है। किन्ने ढेर बच्चे ने एने सब तां एथे रह नहीं सकदे। रहना सब नू ग्रस्त व्यवहार विच ही है। ए समझना है मैं आत्मा हां, बाबा आया होया है सानू पवित्र बना के अपने घर ले जांदे ने, फिर राजधानी विच आ जावांगे।
ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਾਇਆ ਰਾਵਣ ਦਾ ਛੀਛੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਤਿਤ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਡਰਾਮਾ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜਾਗ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਚੱਲੋਗੇ ਓਨਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਪ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ। ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਤਮਾ ਪਰ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਪਾਠਧਾਰੀ ਹੋ, ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚ ਤੋਂ ਨੀਚ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਅਜਿਹਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੋਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੋਗੇ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੋਗੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਫਲਾਣਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਿਰਪਾ ਆਦਿ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਦੇ ਲਈ। ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਹੇ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਓ, ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਭਗਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਭਗਤੀ ਤੇ ਵੈਰਾਗ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗਿਆਨ ਭਗਤੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੈਰਾਗ, ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਬਾਪ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਸਥਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਰਮ ਅਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਰਮ ਨਾ ਬਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਪਤਿਤ ਦਾ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਵੋ, ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਘਨ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਗੁਪਤ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਅਸੁਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯੁੱਧ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਯੋਗ ਸਿਖਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਭਵਿੱਖ 21 ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਲੋਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੀਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਰਾਮਾਇਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਲੰਕਾ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਲੰਕਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੈ ਬ੍ਰਾਈਡ ਗਰੂਮ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੇ ਬ੍ਰਾਈਡਸ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਪ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੋਕ ਵਾਟਿਕਾ। ਸਤਯੁਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਟਿਕਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਸ਼ੋਕ ਹੀ ਸ਼ੋਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਕ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾਮ ਭਲੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਹੋਟਲ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਮਿਸਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਬਾਪ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਟਿਕਾ ਹੈ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ। ਹੱਦ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਬਾਪ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਾ, ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲਾਠੀ ਬੰਨਣਾ। ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਆਤਮਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੇ,
किन्नी सहज गल सुनांदे हो। कहंदे भी ने असी सारे भाई भाई हाँ। बाप कहंदे ने तुसी सारी आत्मावां भरा भरा हो ना, गॉड फादर कहंदे हो ना, तां कदे आपस विच लड़ना झगड़ना नहीं चाहीदा। शरीरधारी बंदे हैं फिर भाई भैन हो जांदे ने। असी श्री बाबा दे बच्चे सब भाई भाई हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा दे बच्चे भाई भैन हाँ। सानू वरसा दादे तो लेना है, इस लई दादे नूं ही याद करदे हाँ। इस बच्चे नूं भी यानी ब्रह्मा नूं भी मैं अपना बनाया है, इस विच प्रवेश किया है। एना सबना गल्लां नूं तुसी ही समझदे हो। बाप कहंदे ने बच्चे हुण नवा दैवी प्रवृत्ति मार्ग स्थापन हो रहा है। तुसी सारे बीके श्री बाबा दी मत ते चलदे हो, ब्रह्मा भी उना दी मत ते चलदे ने। बाप कहंदे ने अपने आप नूं आत्मा समझ, बाप नूं याद करो, सारे संबंधां नूं हल्के करदे जाओ। ए नहीं भुलो, ए भी नहीं कि इत्थे आके होस्टल विच रहना है, नहीं ग्रस्त व्यवहार विच रहंदे बाल बच्चियां नाल रहना है। बाबा कोल तां आंदे ही हो, रिफ्रेश होण दे लई मथुरा वृंदावन विच जांदे ने। मधुबन दा दीदार करन छोटा मॉडल रूप विच बना रख्या है। हुण ते ए बेहद ही गल समझण दी है कि श्री बाबा ब्रह्मा द्वारा नवी सृष्टि रच रहे ने। असी प्रजापिता ब्रह्मा दी संतान बीके हां, विकार दी गल हो नहीं सकदी। सन्यासियां दे चेले बंदे ने, जेकर ओ सन्यासियां वाला कपड़ा पा लैन तां नाम भी उनां दा बदली हो जांदा है। एथे भी तुसी बाबा दे बने तां तुहाडे नाम रखे ना। बाबा ने किन्ने भट्ठी विच रहे, इस भट्ठी दा किसे नूं पता नहीं। शास्त्रां विच तां की गल्लां लिख दित्तियां ने, फिर भी अजिहा होवेगा। हुण तुहाडी बुद्धि विच सृष्टि दा चक्कर फिरदा रहिंदा है। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी हन ना, सृष्टि दे आदमद अंत नूं जानदा है। बाबा नूं ते शरीर भी नहीं, तुहानूं तां स्थूल शरीर है, ओह है परम आत्मा। आत्मा ही स्वदर्शन चक्रधारी है ना, हुण आत्मा नूं अलंकार किवें दित्ते जान, समझण दी गल है ना। इह किन्नियां महीन गल्लां ने। बाप कहंदे ने असल विच मैं हां स्वदर्शन चक्रधारी। तुसी जानदे हो आत्मा विच सारे सृष्टि चक्र दा ज्ञान आ जांदा है। बाप भी परम धाम विच रहण वाला, असी भी उत्थों दे रहण वाले हां। बाप आके अपना परिचय दिंदे ने, बच्चे मैं भी स्वदर्शन चक्रधारी हां, मैं पतित पावन आया हां तुहाडे कोल, मैनू बुलाया ही है, आके पतित तो पावन बनाओ। शिव जयंती यानी शिवरात्रि मनाउंदे ने। बाप कहंदे ने मैं आंदा ही तद हां, जद कलयुग दी रात पूरी हुंदी है तां दिन बनाउण आंदा हां। दिन विच 21 जन्म, फिर रात विच 63 जन्म, आत्मा ही वख वख जन्म लैंदी है। हुण दिन तो रात आई है, फिर दिन विच जाना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुहानूं बनाया है, इस वक्त मेरा पार्ट है, तुहानूं भी स्वदर्शन चक्रधारी बनांदा हां। तुसी फिर दूजियां नूं बनाओ। 84 जन्म किवें लए, ओ 84 जन्मां दे चक्कर ते समझ लिया है ना। पहले तुहानूं एक ज्ञान सी कि बिल्कुल भी नहीं सी, अज्ञानी सी। बाबा मूल गल समझांदे ने, बाबा है स्वदर्शन चक्रधारी, उहनां नूं ज्ञान दा सागर कहा जांदा है। ओ सच ने, चेतन ने, तुसी बच्चियां नूं भी वरसा दे रहे ने। बाबा बच्चियां नूं समझांदे ने आपस विच लड़ो झगड़ो नहीं, लून पानी ना बनो, सदा खुश रहना है ते सब नूं बाप दी पहचान देनी है। बाप नूं ही सारे भुल गए ने। हुण बाप कहंदे ने मम एकम याद करो, साकार बिना आत्मा कुछ कर नहीं सकदी। आत्मा शरीर विचों निकल जांदी है तां चुरपुर कुछ भी हो नहीं सकदी। आत्मा फोरन विच जाके, विदेश विच जाके दूजे शरीर विच पाठ वजाउंदी है। एना गल्लां नूं चंगी तरह समझो, अंदर घोटदे रहो कि असी आत्मा हुण बाबा तो वरसा लैंदे हां। वरसा मिल रहा है सतयुग दा जरूर, बाप ने ही भारत नूं वरसा दित्ता होएगा।
कदों वर्षा दिता फिर की होया ए मनुखा नू कुछ भी पता नहीं। हुन बाप सब गल्लां दसते ने तुहानू बच्चियां नू ही सदर्शन चक्रधारी बनाया है। फिर तुसी 84 जन्म भोगदे हो। हुन मैं फिर आया हां किन्ना सहज करके समझांदा हां कि बाप नू याद करो ते मिठे बनो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाप वकीलां दा वकील है। सारे झगड़िया तो छुड़ा देंदे ने। तुसी बच्चियां नू आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिदी है। असी ता बाबा दे बच्चे बने हां। बाबा ने सानू अडोप्ट कीता है वर्षा देन दे लई। एथे तुसी आंदे ही हो वर्षा लैन। बाप कहंदे ने बाल बच्चे आदि वेखदे होए बुद्धि बाप ते राजधानी वल रहे। पढ़ाई किन्नी सहज है। बाप जो तुहानू विश्व दा मालिक बनांदे ने ओना नू तुसी भुल जांदे हो। पहला अपने आप नू आत्मा जरूर समझो। ए ज्ञान बाप संगम ते ही दिंदे ने क्योंकि संगम ते ही तुहानू पतित तू पावन होना है। अच्छा मिठे मिठे रूहानी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण ए देवतावां तो भी उच्चा कुल है। असी भारत दी बड़ी उच्ची सेवा करदे हां। हुन तुसी फिर पूज्य बन जाओगे। हुन पुजारी नू पूज्य कोड़ी तो हीरे वर्गा बाप ही बनांदे ने। अजेहे रूहानी बच्चियां प्रति मात पिता बाप दादा दा याद प्यार ते गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप दी रूहानी बच्चियां नू नमस्ते। रूहानी बच्चियां दी रूहानी बाप दादा नू नमस्ते 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 जी। धारना दे लई मुखसार है। पहली धारना है श्रीमत ते हुन हर कर्म श्रेष्ठ करना है। किसे नू भी दुख नहीं देना है। दैवी गुण धारण करने ने बाप दे डायरेक्शन ते ही चलना है। दूजा सदा खुश रहन दे लई स्वदर्शन चक्रतारी बनना है। कदे लून पानी नहीं होना है। सबनू बाप दी पहचान देनी है। बहुत बहुत मिठा बनना है। वरदान है सदा सुखां दे सागर विच लवलीन रहन वाले अंतर मुखी भव। सदा सुखां दे सागर विच लवलीन रहन वाले अंतर मुखी भव। कहा जांदा है अंतर मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर मुख भव दा वरदान प्राप्त कर लैंदे ने ओ बाप समान सदा सुख दे सागर विच लवलीन रहंदे ने। सुखदाता दे बच्चे खुद भी सुखदाता बन जांदे ने। आत्मावां नू सुख दा खजाना वंडदे ने। तां हुण अंतर मुखी बन अजेही संपन्न मूर्ति बन जावो जो तुहाडे कोल कोई भी किसी भी भावना ना लावे अपनी भावना संपन्न करके जावे। जिवें बाप दे खजाने विच अप्राप्त कोई चीज नहीं तुसी भी बाप समान भरपूर बनो। स्लोगन है रूहानी शान विच रहो ता कदे भी अभिमान दी फीलिंग नहीं आवेगी। रूहानी शान विच रहो ता कदे भी अभिमान